देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से एक छद्म समाजवादी के द्वारा लगातार रामचरितमानस को लेकर जो है ऐसी टिप्पणियां की जा रही थी जो समाज के लिए बेहतर नहीं है और समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वाली है, मैंने इसके खिलाफ अपना प्रतिरोध जाहिर किया था। और इस प्रतिरोध के चलते आज मुझे समाजवादी पार्टी के द्वारा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किए, बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किए मुझे मेरा निष्कासन कर दिया गया है। और लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि प्रभु श्री राम इस देश की आत्मा में बसते हैं और श्री रामचरितमानस इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए पूजनीय है और वो उसका सम्मान करता है। अगर रामचरितमानस के पक्ष में खड़े होने पर मेरा ये निष्कासन किया गया है तो मैं इस निष्कासन को सहर्ष स्वीकार करती हूँ और मैं इस देश की आत्मा और अपने पूजनीय ग्रंथ रामचरितमानस के सम्मान में खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी। जी, समाजवादी पार्टी से आपने 2 बार चुनाव भी लड़ा और अखिलेश यादव खुद आपको मानते हैं, उसके बावजूद भी आपने रामचरितमानस के समर्थन में ट्वीट भी किया और काफी बयान भी दिया, तो क्या लगता है इसी वजह से आपको निकाला गया भगवान? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि कुछ लोगों के द्वारा जो दूसरे दलों से आए हैं लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गुमराह करने का काम किया जा रहा है और जिस तरीके से वो सामाजिक द्वेष फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं, जिस तरीके से लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं, ये उसका परिणाम है। और हम लोग समाजवादी लोग हैं। लोहिया जी यह कहा करते थे कि समाजवाद का तात्पर्य यह है कि दलित, वंचित, शोषित, आधी आबादी और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। और आज अगर लोहिया जी होते तो समाजवादी पार्टी शायद उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा देती। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी का मतलब समाजवादी विचारधारा नहीं है। समाजवादी विचारधारा लोहिया जी के संघर्षों से प्रेरित होती है, जयप्रकाश नारायण के जो है संघर्षों से प्रेरित होती है। और हम समाजवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। हम समाजवाद के रास्ते पे आगे बढ़ते रहेंगे। और लेकिन समाजवादी पार्टी ने यह दिखा दिया है कि वह लोकतंत्र में भरोसा नहीं करती, इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। जी, दोनों अपर कास्ट से आती है, क्या समाजवादी पार्टी अपर कास्ट से किनारा कर रही देखिए, है? इसका जवाब तो मुझे लगता है कि जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मांगा जाना चाहिए। लेकिन मेरी जहां तक समझ ये कहती है कि लोकतंत्र में आप जनता के बीच में जब चुनाव के दौरान जाते हैं तो आपको हर तबके का वोट चाहिए होता है। और किसी भी राजनीतिक दल की सबसे बड़ी सफलता यही होती है कि वो प्रत्येक वर्ग के लिए संघर्ष करने में और प्रत्येक वर्ग को बिना किसी भेदभाव को के जोड़ने में अगर सफल हो पाती है तो वो कहीं ना कहीं जनता की पहली प्रायोरिटी बन जाती है। लेकिन अगर ऐसे में कोई भी पार्टी अगर ये कहे कि मुझे विशेष जाति वर्ग का वोट नहीं चाहिए या मुझे विशेष जाति वर्ग का समर्थन नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है कि वो देश की लोकतांत्रिक आत्मा को मार देना चाहते हैं, जो किसी के साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं करती है। अपने उद्देश्यों और मकसदों से भटक रही है। अब आप इसका जो है ये तो स्पष्ट उदाहरण है कि समाजवादी पार्टी जो कि लोहिया जी की बात करती है, समाजवाद की बात करती है, आज जाति के भेदभाव के आधार पर मेरा निष्कासन कर दिया गया है। मैं इस देश की आधी आबादी से आती हूँ, जहां पे लगातार आधी आबादी के नाम लेकर राजनीति करना चाहते हैं, वहीं पे आधी आबादी के जो है नुमाइंदगी करने वाली 2 महिला नेताएं जो कि मुखर थी, जो कि संघर्षरत थी, मैंने आज तक पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया, कोई अनुशासनहीनता का काम नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद मुझे पार्टी का निष्कासन किया जाना पार्टी के द्वारा, ये मेरे लिए विस्तब्ध कर देने वाला है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हम लोग इस देश के और इस समाज के दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, आधी आबादी के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और मैं आपको अभी कुछ दिन पहले का एक वाक्य भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से लगातार महिलाओं के लिए अपशब्द बोला जा रहा था, मैंने तब भी अपनी इस बात को जाहिर किया था कि किसी भी महिला के लिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से आती हो, शूर्पणखा या फिर मंथरा जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी ऐसे शब्दों का उपयोग करने वालों के लिए डीजीपी ऑफिस जाकर खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ महिलाओं के संघर्षों के की बात करने वाली महिलाओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, तो ये फिर समाजवादी चेहरा समाजवादी पार्टी का स्पष्ट करता है।
लिए संघर्ष करते रहे हैं। और मैं आपको अभी कुछ दिन पहले का एक वाक्य भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से लगातार महिलाओं के लिए अपशब्द बोला जा रहा था, मैंने तब भी अपनी इस बात को जाहिर किया था कि किसी भी महिला के लिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से आती हो, शूपनखा या फिर मंथरा जैसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक तरफ समाजवादी पार्टी ऐसे शब्दों का उपयोग करने वालों के लिए डीजीपी ऑफिस जाकर खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ महिलाओं के संघर्षों के की बात करने वाली महिलाओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, तो ये फिर समाजवादी चेहरा समाजवादी पार्टी का स्पष्ट करता है। अभी आपने गेस्ट हाउस कांड की चर्चा किया, क्या ऐसी कोई आशंका है क्या? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि गेस्ट हाउस कांड में जिस तरीके का व्यवहार देश की पहली दलित मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी के साथ किया गया और जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के कुछ तथाकथित नेता लगातार हम लोगों को हैरिस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा माननीय अखिलेश यादव जी से कहना है कि वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को समझाएं कि महिलाओं के साथ अभद्रता करने से बचे, वरना इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब अगला कदम क्या होगा? फिलहाल मेरा अगला कदम ये होगा कि मैं पार्टी से पहले इस बात का जवाब मांगूंगी और हो सकता है कि मैं चुनाव आयोग में भी इस बात की शिकायत करूं कि पार्टी ने अपने संविधान का पालन नहीं किया और मुझे बिना बताए निष्कासित कर दिया। और साथ ही साथ हम जनता के बीच में जाएंगे, हम इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अगर देश की जो आत्मा रामचरितमानस है उसके साथ खड़े होने पर मेरा निष्कासन कर दिया जाता है तो मैं अपने देश की आत्मा के साथ खड़ी हूं, क्योंकि मैं जब तक जिंदा रहूंगी अपनी आत्मा को नहीं मरने दूंगी। और अगर इसके रामचरितमानस के साथ खड़े होने के लिए मेरा निष्कासन किया गया है तो मुझे यह सहर्ष स्वीकार है और हम लोग और मजबूती से आगे इसके लिए लड़ते रहेंगे।